1 दिसंबर 2018 से फ्री टेलीफोनिक सुविधा आप सभी के लिए शुरू हो रही है और इस सुविधा को पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को दबाना होगा, तभी आप चैनल से यह सुविधा मुफ्त में प्राप्त कर पाएंगे और अपने जो भी प्रश्न हैं उनका उत्तर डायरेक्ट मेरे द्वारा आपको मिलेगा, यानी आमने सामने हमारी और आपकी बात होगी और मैं दूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर और उपाय भी ऐसे बताऊंगा जिनसे आप अति शीघ्र अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, घंटी वाला बटन दबाएं और जल्द ही वह नंबर भी आपके सामने होगा जिस नंबर पे मेरी और आपकी बात होगी। बहुत जल्द नंबर भी आपके सामने होगा और दिन और समय की भी जानकारी आपके पास होगी जिस समय में आपकी और मेरी बात हो सकती होगी। और एक और खुशखबरी है आपके लिए, हर महीने हम 5 लकी ड्रॉ को चुनेंगे जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे और उन 5 लकी ड्रॉ में से जिनका भी नाम आएगा उनको हम देंगे उनकी राशि के अनुसार उन एक लॉकेट, जो लॉकेट उनके जीवन में प्रगति का मार्ग और बढ़ाएगा, जीवन में चले आ रहे कष्टों को समाप्त करेगा और जीवन में सभी अशुभ परिणाम दूर होंगे और शुभ परिणाम लॉकेट के पहनते ही उनको मिलने शुरू हो जाएंगे। लकी सब्सक्राइबरों को यह पुरस्कार, यह लॉकेट उपहार स्वरूप मुफ्त में उनके घर कोरियर के द्वारा भेजा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूँ आपका, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पे। वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर माह का तीसरा सप्ताह या कहें तीसरा हफ्ता 15 तारीख से 21 नवंबर तारीख तक क्या परिणाम लेके आएगा, इस विषय पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तीसरे हफ्ते की क्या भविष्यवाणी है आपके लिए, यह मैं आपको बताऊंगा इस कार्यक्रम में और यह हफ्ता आपके लिए कितने शुभ परिणामों से भरा हुआ है, कहाँ कहाँ पे किन किन डेट पे आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, इन सब विषय पे हम चर्चा करेंगे। और कार्यक्रम के अंत में या वीडियो के अंत में एक ऐसा उपाय भी मैं आपको बताऊंगा जिस उपाय को करने से आप अशुभ तारीखों में भी शुभ परिणाम पा सकते हैं। तो शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का और चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें और जुड़ जाएं चैनल के साथ। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। 15 तारीख को चंद्रमा आपके तीसरे भाव में है, वहां पर केतु का होना ग्रहण दोष का निर्माण करेगा। तीसरे भाव में मिलने वाले फलों में थोड़ी कमी अवश्य आएगी, आप यात्रा में नुकसान कर बैठेंगे। अब या नुकसान आपके द्वारा हो या यात्रा में आपको धोखाधड़ी, चोरी हो जाए आपके सामान की, या फिर आपको कोई गलत चीज खिलाकर आपको बेहोश कर आपके सामान को लूट सकता है जिसमें आपकी जान का भी खतरा हो सकता है। तो किसी अनजान व्यक्ति से कोई भी खाने पीने का सामान ना लें और उस पर अत्यधिक विश्वास यात्रा के दौरान बिल्कुल भी ना करें। यात्रा बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको करनी चाहिए। मित्रों व भाई बहनों से झगड़ा होने की संभावना है, यहाँ पे आप अपनी वाणी को बहुत कंट्रोल में रखें और किसी भी प्रकार के झगड़े को बढ़ावा बिल्कुल भी ना दें। निराशा के बादल छाए रहेंगे, हर मामले में आपको पॉजिटिव की जगह नेगेटिव थॉट्स ही अपनी ओर खींचेंगे। तो आपको पॉजिटिव रहना है, योग प्राणायाम और मेडिटेशन का सहारा लेना है और अच्छा साहित्य पढ़ना है और अच्छी चीज़ों की तरफ जाना है, अध्यात्म की तरफ जाना है, तो आप कुछ बेहतर परिणाम जरूर पा पाएंगे। अन्यथा यह समय आपको सावधानी रखने की हिदायत मैं देता हूँ।
16 और 17 तारीख को चौथे भाव में चंद्रमा का आना और मंगल का पहले से वहां पर होना लक्ष्मी योग का निर्माण करेगा। निवेश से फायदा होगा, व्यापार व नौकरी में लाभ होने की पूरी संभावना है। घर के लिए खरीदारी भी आप करेंगे, कुछ सामान ला सकते हैं, परिवार के साथ जाके घर की साज सजावट या कहें घर को पेंट कराने का भी विचार आपके मन में आ सकता है। कुछ फर्नीचर इत्यादि भी आप बनवा सकते हैं या रेडीमेड खरीद सकते हैं। शिक्षा का क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी, आप उसमें आगे बढ़ेंगे। दिमागी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, यदि आप चेस खेलते हैं या कोई भी दिमागी कार्य से जुड़े हैं तो वहाँ पे आपको सफलता के योग हैं। आपके निर्णय बेहतर साबित होंगे और जल्दी व अच्छे निर्णय लेने की कला आपके अंदर स्वयं आ जाएगी। आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी और आय के साधनों में विस्तार भी होगा। मूड बढ़िया रहेगा और घर परिवार में आप सभी का मन मोह लेंगे अपनी कलाओं से, अपनी बातों से, अपने स्टाइल से, तो बढ़िया समय रहेगा। 18, 19, 20 को चंद्रमा पंचम भाव में रहेंगे, आपको प्रॉपर्टी में बढ़िया लाभ या बढ़िया दाम मिल सकते हैं। आपकी किराए की प्रॉपर्टी अच्छे दामों में चढ़ सकती है। पैतृक संपत्ति में भी आपका हिस्सा आपको मिल सकता है, जितना नहीं सोचा होगा उससे ज़्यादा मिल सकता है। पैतृक संपत्ति या पैतृक धन या ससुराल की तरफ से आपको कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है। आप उपहार जीत सकते हैं, आप किसी लकी ड्रॉ में आपने पार्टिसिपेट किया है तो वहाँ पे विजयी हो सकते हैं। आप अपना फंसा हुआ पैसा जिसको आप भूल चुके हैं या कहें आपको लगता ही नहीं कि यह वापस मिलेगा, वह भी अचानक से वापस मिलने का कोई रास्ता आपको अवश्य दिखेगा। कोई कीमती वस्तु जो खो गई हो और काफ़ी लंबे समय से आपको ना मिल रही हो, अचानक वह भी आपको मिल सकती है। अचानक से आपको लाभ हो सकता है, धन लाभ हो सकता है और अचानक से उन जगहों से आपको सुंदर और अच्छी खबर मिल सकती है जहां पे आपका ध्यान ही कभी ना गया हो। तो कुल मिलाकर यह स्थिति बढ़िया रहेगी। संतान का सुख व संतान की प्रगति की अच्छी खबर आपको मिल सकती है। दिमागी तनाव कम होगा, वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। विदेशी यात्रा, विदेशों से जुड़ी हुई शिक्षा के मामले में आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। नन्हे मेहमान के आने की खुशी घर में आपको मिल सकती है, जो कि एक मांगलिक कार्य होगा, शुभ कार्य होगा और आप लोग छोटा या बड़ा फंक्शन भी कर सकते हैं या घर में गेट टुगेदर भी कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन व प्रेम संबंध में बढ़िया समय रहेगा, घर परिवार में बढ़िया माहौल रहेगा, खुशहाल रहेंगे आप सभी लोग। 20 तारीख सूर्यास्त के बाद का समय और पूरा 21 तारीख का जो समय है, चंद्रमा आपके छठे भाव में बैठेंगे, यहाँ पे आपके सुखों में थोड़ी कमी को लेकर आएंगे। आपको शारीरिक पीड़ा बढ़ सकती है, शत्रु का भय बढ़ सकता है, आपके ऊपर कुछ अनावश्यक कर्जे चढ़ सकते हैं या आप कर्जों को लेने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में सावधानी रखें, कर्जे इत्यादि ना लें। आपकी नौकरी और व्यापार में कोई छोटा मोटा घाटा या नुकसान हो सकता है किसी भी वजह से, लेन देन में बहुत ही सावधानी रखें। ऐसे व्यक्तियों से ही पैसा उधार लें जो आपके ऊपर हावी ना हो पाए आगे। यदि आप कहीं गलती से पैसा चुकाने में एक आध दिन डिले करते हैं, आज के दिन कोई ईएमआई भरनी है या आज के दिन कोई पैसा देने की डेट ड्यू थी और वहाँ पे आप कोई आनाकानी करते हैं या नहीं देते हैं तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है। जुबान में मधुरता लेके आए, अपने आप को बहुत ही शालीन व बहुत ही सभ्य बनाकर आप विवादों से मुक्त हो सकते हैं। तेज होना, गर्मा गर्मी करना, लड़ाई झगड़ा करना आपको और परेशान करेगा। अब यह लड़ाई चाहे घर में हो या घर के बाहर हो, ऑफिस में हो या व्यापार में हो, आपको किसी भी प्रकार से अपनी जुबान और अपने हाथों पर कंट्रोल रखना है और अपने जो आपके भाव हैं, एक्सप्रेशंस हैं,
उन पे भी कंट्रोल रखना है। कई बार आप जुबान से कुछ नहीं बोलते हैं, आपके हाथ भी शांत हैं, लेकिन आपके जो भाव हैं वह सामने वाले को ऐसा महसूस कराते हैं कि आप उनसे लड़ने को या उनके लिए कुछ गलत बोलने को आतुर हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सावधानी रखिएगा, लेन देन के मामले में सावधानी रखिएगा। व्यापार करते हैं तो पार्टनर से कोई विवाद ना करें, वैवाहिक जीवन में भी पार्टनर से और प्रेम संबंधों में भी पार्टनर से कोई विवाद ना करें। पढ़ने लिखने वाले छात्र स्कूल कॉलेज या कोचिंग इत्यादि में भी कोई लड़ाई झगड़ा अपने सहकर्मियों से या सहपाठियों से बिल्कुल भी ना करें, और सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। बात करते हैं शुभ तारीख की, तो 16, 17, 18, 19 आपको शुभ परिणाम देंगी यह तारीखें, 20 तारीख को आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे और अशुभ तारीखें रहेंगी 15 और 21। 15 और 21 को आपको थोड़ा सा सावधान रहने की मैं हिदायत दूंगा, बाकी तारीखों में भी आप समझदारी और अपने विवेक के साथ काम करेंगे तो और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। और अब बात करते हैं उपाय की, आपको माँ लक्ष्मी के सामने मोली जो हम हाथ में बांधते हैं उसकी बत्ती बनाकर घी का दीपक प्रतिदिन जलाना चाहिए और माँ लक्ष्मी की आराधना पूजा पाठ करनी चाहिए। यकीन मानिए माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलते ही आपके जो भी कष्ट हैं इस सप्ताह में वह समाप्त होंगे और आप प्रगति के मार्ग पर चल पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी लोग खुश रहें। हरिओम, नमस्कार।